बैक टू माय चैनल पी डॉट प्रिया ब्यूटी सीक्रेट्स। आई होप यू ऑल वेल। आज जो आप ये मेरा मेकअप लुक देख रहे हो, इसको मैंने सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स की मदद से किया है। ये आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो, क्योंकि हमें कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा जल्दी होती है अगर हम कॉलेज में जा रहे हैं या फिर किसी ऐसी पार्टी में जा रहे हैं, मार्केट जाना है हमें और जल्दी जल्दी मेकअप करना है, तो ये कुछ ऐसी ट्रिक्स है जिससे कि आप बहुत जल्दी से मेकअप कर सकते हो सिर्फ 5 प्रोडक्ट की मदद से। तो ये मेकअप बहुत ही ज्यादा अच्छा है, सिंपल है और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाता है। तो सिर्फ इसमें ध्यान रखना पड़ता है अपने बेस का। अगर फेस का बेस अच्छा होगा तो आपका मेकअप भी बहुत अच्छा होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप लोगों को मेरे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर मिस क्लेयर का प्राइमर ले रही हूँ। प्राइमर लगाना फेस पर बहुत ज़रूरी होता है, जो भी हमारे ओपन पोर्स होते हैं उसको मिनिमाइज़ कर देता है ये तो, और हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, इसीलिए मैं प्राइमर का यूज़ करती हूँ। अब यहाँ पर मैंने लिया है स्टे क्योर की स्टिक, ये शेड नंबर 2 है। इसको मैं एज अ बेस यानी कि एज अ फाउंडेशन अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। सबसे पहले इसी से लगा लेंगे हम आईज़ वगैरह पर, और अगर आपके डार्क सर्कल्स या पिगमेंटेड एरिया है तो पहले ही उसको कंसील कर लें। नेक एरिया पर भी अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे इसे। अब अपनी फिंगर की मदद से मैं इसको ब्लेंड करूँगी। आप इसके लिए डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हो। और अपनी आईज एरिया पर हमेशा स्टैम्पिंग मोशन का यूज करेंगे धीरे धीरे। अब यहाँ पर मैंने कंसीलर के लिए लिया है शेड नंबर 1। हमारे जितने भी हाइलाइटिंग एरिया हैं वहाँ पर मैं शेड नंबर 1 लगा रही हूँ। कंसीलर अगर हमें यूज करना है, हम अपनी टोन से एक टोन ऊपर वाला यूज कर सकते हैं, यानी कि एक टोन हमसे फेयर टोन वाला। और यहाँ पर इसी के स्पॉन्ज से मैं इसको स्टैम्पिंग मोशन में यहाँ पर सेट कर दूंगी, और ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा इसी से। ये हो चुका है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो। यहाँ पर अब मैंने लिया है मेकअप रेवोल्यूशन के आई शेडो किट, और यहाँ पर मैं एक ट्रांजिशन शेड यानी कि एक बेस शेड देने के लिए मैं यहाँ पर बहुत लाइट कलर यूज कर रही हूँ, और उसको ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने अगेन ब्लेंडिंग ब्रश में एक शेड लिया है, हल्का मेहरूनिश सा शेड है, उसको मैं अपनी आईलेट पर अप्लाई कर लूँगी। इससे क्या होता है, अगर आप लोगों के डार्क सर्कल भी हैं तो वो भी कम दिखते हैं और हमारी आईज़ काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगती है। तो ये एक्स्ट्रा है, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर कॉन्ट्यूरिंग के लिए मैंने लिया है शेड नंबर 7, और ये स्टे क्योर की ही स्टिक है। अब इसको मैं अपनी फिंगर की मदद से यहीं पर ही ब्लेंड कर दूंगी, और अगर आप चाहें तो आप ब्रश का यूज भी कर सकते हो। स्टैम्पिंग मोशन में अपने कंटूर को वहीं की वहीं सेट करना है। अब यहाँ पर मैंने लिया है स्टे क्योर की कॉम्पैक्ट पाउडर, और कॉम्पैक्ट पाउडर से मैं अच्छे तरीके से इसको सेट कर दूंगी। जहाँ जहाँ पर हमने कंसीलर लगाया था हमें उसी एरिया को सेट करना है। यहाँ पर अब मैंने ली है स्टे क्योर की बडास लिप क्रेयॉन, और इसका अगर आप लोगों ने रिव्यू नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हो, मैं एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। और किसी भी चीज़ की डिटेल के लिए या प्रोडक्ट के नाम के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें। ये आप देख सकते हैं, ये मैट लिप क्रेयॉन है। अब हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रेवोल्यूशन की 5-in-1 पैलेट, और ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ही ज़्यादा शाइनी है ये। इसको अपने सारे हाइलाइटिंग एरियाज पर लगा लेते हैं। जो लोगों को हाइलाइटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और वो चाहते हैं फेस पर ज़्यादा कुछ भी ना हो लेकिन उनका फेस ग्लो ही लगे, तो वो इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ब्रो बोन पर लगा लिया है हल्का सा हाइलाइटर, इससे हमारी आईब्रोज को एक शेप मिल जाती है जिससे आईब्रोज बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट होके दिखती है हमारी। अब लास्ट में मैं यहाँ पर ले रही हूँ काजल। काजल को आप जिस तरीके से भी लगाना चाहते हैं वैसा लगा सकते हैं, मैं थोड़ा सा मोटा लगाऊंगी यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ये हो चुका है मेरा ओवरऑल लुक। सो आई होप आप सबको मेरा ये मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आया है, और अगर आपको स्वैचेस और रिव्यू देखना है स्टे क्योर की पेन स्टिक का तो वो भी आप देख सकते हैं।
उसके वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगी एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको चेक करना ना भूलेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, नमस्ते।